चीज है, साइंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बताना चाहिए साइंस है क्या, तो इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब हो सकता है कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज आपके ब्रेन में आ रहा है तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कहीं पे भी एक आसपास का एग्जांपल से आप सोच सकते हो, जैसे अगर स्टडी टेबल पे बुक रखा हुआ है तो कोई नहीं पूछता है कि स्टडी टेबल पर बुक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में है, स्टडी टेबल पे बुक ही रहेगा, प्रेशर कुकर तो रहेगा नहीं। लेकिन किचन में अगर जाकर के एच सी वर्मा का 2 वॉल्यूम रख दोगे तो क्या ऑर्गेनाइज है क्या? तो वहाँ दिमाग में आपका क्वेश्चन आया कि ये यहाँ क्या कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? किस चीज़ को दिमाग में बैठा कर रखना है। इस ये सारा चीज़ आप एनसीईआरटी के 11th का बुक देखिएगा तो पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा जरूर अच्छे से। साइंस कभी भी अगर ब्रेन में है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, वहां पे जवाब आप पूछ सकते हैं, क्यू का जवाब पूछोगे जवाब ही मिलेगा। अगर किचन में प्रेशर कुकर रखा है तो पूछोगे यहाँ पे क्यू रखा गया है, ये क्या कर रहा है, तो इसका जवाब मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यही चीज क्वेश्चन पूछता है। अब साइंस में तो क्यू का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कैसे का क्वेश्चन जरूर उठाना आप हमेशा साइंस में कहीं पे भी चलोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्यों और कैसे हर जगह पूछा जाएगा। याद रखिएगा तीन जगह, तीन चीज जहां ऐसा होगा बेसिकली, वहां पे क्यों का क्वेश्चन मत पूछना तुम लोग। वो क्या क्या हो सकता है तो याद रखना, डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्यों मत पूछना। हालांकि क्यों पूछोगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन डेफिनेशन में क्यों मत पूछना, अभी उतने बड़े नहीं हो रहे आप लोग। दूसरा कन्वेंशन, कन्वेंशन में कहीं क्यू का क्वेश्चन मत पूछना, और लॉ हो तो उस लॉ में भी क्यू का क्वेश्चन मत पूछना। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली आया है, वो कैसे डिजाइन किया गया है, एक्सपेरिमेंटली आया है। क्लियर ना? तो कितने जगह क्यू क्वेश्चन, ऐसे मैं बार बोल रहा हूँ साइंस में क्यू का क्वेश्चन पूछना आप लोग, साइंस में क्यू का क्वेश्चन पूछना है, लेकिन कितने जगह बचोगे क्यू क्वेश्चन पूछने से? डेफिनेशन, लॉ और कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब आप लोग को पता है ना? कन्वेंशन कोई भी ऐसा रूल या रेगुलेशन जो हम लोग फ्रेम किए हुए किसके लिए, अपनी सहूलियत के लिए। जैसे हम लोग के पास क्या है, ब्रेन में बैठा हुआ है ना कि सड़क की बाईं ओर चलनी है, तो ये रूल बनाया हुआ इंडिया में कि सड़क की बाईं ओर ही चलो आप। तो सड़क की बाईं ओर चलोगे तो ये क्या है, रूल बना हुआ है, तो ये सहूलियत हो रहा है कि जब भी चल रहे हैं तो सड़क की बाईं ओर चाह रहे हैं, इधर इधर वाले लोग हैं तो उन लोग के लेफ्ट इधर हो गया ना, तो सहूलियत हुआ ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सड़क की बाईं ओर चलेगा तो धरती फटेगा और सीधे हम लोग अंदर चले जाएंगे, ये तो कन्वेंशन है ना। तो याद रखना कन्वेंशन कोई भी रूल फ्रेम किया गया केवल किसके लिए, साइंस को पढ़ने के लिए, सहूलियत के लिए। जैसे और भी कन्वेंशन अडॉप्टेड है आप लोग का, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी यूनिट नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज कंसीडर्ड टू बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग नेगेटिव कंसीडर की रहे और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है तो बड़ा है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो छोटा है। बात समझ में आता है ये सब? इस चीज को दिमाग में बैठा कर रखना। तो पता चला ना साइंस क्या है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब कहीं पे भी मैं बार बोल रहा हूँ, तुम लोग को तो पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे। मुझे जो दिया गया हो क्या है, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो याद रखिए फिजिक्स क्या है, तो यहीं पे अगर आ जाते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। क्या है फिजिक्स की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। अब सोचो नेचर कितना बड़ा है, नेचर के बारे में आप अगर चर्चा करोगे तो नेचर के बारे में समझ पाना क्या है आपके लिए, मुश्किल ही ना है जी। तो जब फिजिक्स खुद ही डिफाइन कर रहा है कि क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, तो नेचर तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि फिजिक्स पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, ऐसा नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी गोइंग होगा आपके लिए। आपको अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रेम कर लेना होगा आपको सिलेबस आपके लिए क्या है, सिलेबस क्या है आप निकालिए, पीडीएफ लोड कीजिए। देखिए बहुत सारा पोर्शन डिलीट किया हुआ है, कोरोना के वजह से तो डिलीट किया गया, ये पैंडेमिक है उसके वजह से डिलीट किया गया बहुत सारा पोर्शन। तो पहले सिलेबस रखो, और सिलेबस क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास, बैच भी लेट से शुरू हो रहा है, लिमिटेड टाइम है, तो आप सिलेबस सबसे पहले अपने पास रखिए और उसको मार्क करते चलो, जो टॉपिक पढ़ लिए उसको मार्क करते चले जाओ, तो वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। देखना दिया होगा सीबीएसई के बोर्ड पे दिया होगा, देखना ना, आप लोग वेबसाइट पे जाना, देखना मिल जाएगा। तो बहुत सारा चीज जो डिलीट किया उसको तो पढ़ना नहीं है, और कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला चीज दिमाग में बैठा कर रखना कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है।
आजकल जो चल रहा है कल्चर ना, कि बहुत बड़ा बड़ा बहुत सारा टफ टफ न्यूमेरिकल बना करके निकल गए, वैसा कुछ नहीं करना है। काबिल नहीं बनना है आपको, आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो काबिल बनने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स आपको रैंक देता है, और रैंक देगा तो अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, फिजिक्स कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कराएगा। उसके लिए तो आपको बायो ठीक करना पड़ेगा, केमिस्ट्री ठीक रखना पड़ेगा, तो फिजिक्स आपको रैंक देगा। हाँ, हो सकता है पीएमसीएच धनबाद मिल रहा है तो रिम्स मिल जाएगा, यही फिजिक्स करता है, फिजिक्स का यही काम। अब अगर मेरे से पूछोगे मैं फिजिक्स कितना जानता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 0 पॉइंट, जितना जीरो लगाना है अंत में वन भी मत लगाओ, क्योंकि मैं कोई नया चीज़ डिस्कवर नहीं किया हूँ। ये इटसेल्फ क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ, तो मैं कोई नया चीज़ डिस्कवर तो किया नहीं हूँ। तो जितना मुझे जो पढ़ा हूँ मैं अब तक, वही पढ़ना है आप लोग को, और आपको भी ज़्यादा फीस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। तो मान करके चलोगे कि आपको सिलेबस, सबसे सिलेबस को प्रायोरिटी देना है, सिलेबस को प्रायोरिटी दो, सिलेबस सामने रखो, सब चीज़ क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर, तो सिलेबस जाकर के लोड कर लेना। अब फिजिक्स की अगर बात करोगे तो इसमें क्या है, बोलोगे तो मैथमेटिक्स ही तो लैंग्वेज है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारा बड़ा बड़ा बात भी, हम लोग अगर फिजिक्स का बहुत बड़ा बड़ा लॉज को भी अगर फ्रेम करें ना, तो मैथ्स में एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दोगे तो फ्रेम हो जाता है। अब कोई भी एक छोटा सा चीज लो, आप सोचो जरा, यहाँ पे लेते हो ना जी, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासी पार्टिकल्स, याद है ना, एम वन है और क्या है एम टू है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है आर। जो फोर्स लिखते हो आप, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ना मासी पार्टिकल के बीच, वो क्या होता है याद करो तू, जी एम वन एम टू बाई आर एस, ए लिखे। अब आप अगर नोट्स में जगह दोगे तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत बड़ा लॉ फ्रेम मत करने लगना आप लोग, बस इतना लिख दे तो काफी चीज है। ये हो गया ना, खुद ब खुद बता दिया ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासी पॉइंट पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो इतना अगर लिख ली तो आपको समझ ज्यादा डेवलप करना है, लिखना कॉपी में बहुत कम है, ये नहीं कि हर चीज जो लिखाया जा रहा है उसको लिखते चले जाएंगे, क्लियर ना। तो ये सब चीज दिमाग में बैठा कर रखो, मतलब पूरा पहले से क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना क्या है हमको, छोड़ना क्या है हमको, एकदम दिमाग में बैठा लेना। बहुत चीज छोड़ना है तो छोड़ना ही है उसको, उसमें डिटेल में मत जाना, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए अब बताओ, बेसिक मैथ्स मैं बताता हूँ, बेसिक मैथ्स सबका ठीक है, कैलकुलस ठीक है, कैलकुलस ठीक है सबका, चलिए अच्छा है। बेसिक अलजेब्रिक मैथ्स वगैरह, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर लेते हो? चलो मैं तुम लोग को जज ही कर लेता हूँ, जरा बताना जरा, तो बेसिक सवाल छोटा सा चीज, जितना जरूरत है उतना ही बात करूंगा मैं। चलिए जल्दी बताइए, तो जरा देखें, मैं खुद जज कर लूंगा, पता चल जाएगा मुझे। जरा दो डिफरेंशिएट करके दिखाओ जरा, क्योंकि मेरा काम है आपको जज करना, उसके बाद भी ले चलूंगा जिस रास्ते चलना होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, आर कांस्टेंट मान लेना ना, आर को क्या ट्रीट करना, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। तुम लोग छुपाना मत, मैं बार बोल रहा हूँ, जितना क्लियर रहोगे, जितना क्रिस्टल रहोगे मेरे सामने, उतना ज्यादा फायदा होगा आप लोग को। हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं हुआ ना। फर्स्ट कितने लोगों का हुआ, फर्स्ट कितने लोग कर पाए, फर्स्ट कर पाए, सेकंड, सेकंड नहीं किए, गड़बड़ तो गड़बड़ है। चलो अच्छा ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर करा है, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करा है, क्या क्या कंसीडर करा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल, मैं लेता हूँ ए बी सी, वी हैव कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एंगल बी ना, बताओ तो कौन सा हाइपोटेनस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है,
देखो यही चीज में गड़बड़ है, ये सब चीज अगर करते हो तो गड़बड़ है। इन्होंने सही बोला ना, जब तक एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं बताया जाएगा तब कैसे डिसाइड कर सकते हो कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसमें परपेंडिकुलर तो ए भी हो सकता है, हाइपोटेनस का डिसीजन तो ठीक है आप, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन आप नहीं ले सकते हो खुद ब खुद ना। फॉर दैट पर्पज जस्ट यू हैव टू कंसीडर एंगल ऑफ रेफरेंस, दैट इज थीटा। थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस है, अगर ये थीटा रहा तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आया? और अगर ये थीटा होता, जैसे अगर मान लेते हैं इसको थीटा मिटा दिए, बता दिए जैसे थीटा ही, ये अगर थीटा रहता तो परपेंडिकुलर कौन हो जाता जी, ए हो जाता ना, और ये क्या हो जाता, बेस, और ये हाइपोटेनस। तो ये सब एरर है, ये सब चीज छोटा छोटा चीज लेकर के नहीं चलोगे तो पता चला वहां थीटा कंसिडर कर रहे हैं, कुछ अलग रिजल्ट लगा दिए। अच्छा चलो चलो बताओ जरा इसका वैल्यू बताओ तो जरा। इंटीग्रेशन तो आता है, आप लोगों ने खुद कबूल करा है x क्यू dx, और मैं मान लेता हूं ऐसे रूट एक्स डी एक्स, छोड़ो ना x का पावर, ऐसे लेता हूं x का पावर माइनस वन डी एक्स। ये मत सोचना कि मैं यहाँ काबिल बन रहा हूं, मैं आप लोग चेकिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, मुझे देखना है कि मैं कहां से शुरू करूं आप लोग के लिए। चलो फर्स्ट बना, कितना आया, किसका किसका, x टू दी पावर 4 अपॉन 4 आया है, सबका है। बोलिए डरना नहीं है, यहाँ पे आप आए हो एकदम अच्छे से पढ़ो, कोई संकोच नहीं। हाँ क्या है, x टू दी पावर 4 अपॉन 4, अच्छा इसका क्या हुआ, अरे यार तू x का पावर 0 और नीचे 0 आया उसको गड़बड़ है ना, आप इसको कर पा रहे हो लेकिन इसको नहीं कर पा रहे हो, तो ये एरर है आप लोग का ना। तो ये सब चीज सीखना है और क्या। अच्छा चलो इसका बताइए लगे, बताओ क्या नाम बताया था वो, नाम विनीत। हाँ बताओ विनीत, स्क्वायर, हाउ इज इट पॉसिबल, बस फ्रेंड्स बताओ, चलो तुम्हारा आया बाबू, नहीं सब गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ तुम बेसिक मैथ्स का क्लास किए होगे मेरा, हाँ गलत है फिर भी तू, ये सब चीज समझना है ना। देखो बनाने का चीज तो है, आप लोग अगर ये बताओ तो अगर मैं इसको बनाऊ, मैं समझा रहा हूँ केवल ऐसे कुछ, अगर मैं इसको बोलूं माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स कॉस एक्स ही होता है ना, तो याद करो तो एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड करना सिखलाया गया। अभी बहुत लोग नहीं क्लास करा होगा तो नहीं पता होगा, तो यही होगा ना इसका जी, माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन थ्री ना होगा, ये सब पढ़े हो। अब ये सब नहीं पढ़े हो तो जाकर बीच में तो ट्रैप हो गई ना, बीच में तो ट्रैप हो गई। अब तुम लोग का एकदम बहुत सिक्योरिटी के साथ, अल्ट्रा सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन पूछा जाए। चलो बताओ तो जरा छोटा मोटा चीज देखता हूँ। मैं मान लेता हूँ ए प्लस बी ले लिया 8 और ए बी इक्वल्स टू 12 ले लिया। चलो ए और बी का वैल्यू बताओ, तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए और बताइए ए और बी का वैल्यू बताओ। सेकेंड वन नहीं गलत है ना, हाँ बताऊंगा सब बताऊंगा, एक चीज बताया जाएगा। मैं केवल अभी ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग जैसे बोल दोगे कि अभी आ रहा है, फिर बाद में जाके ट्रैप हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर खुद मेरे पे गुस्सा करोगे तुम लोग, यहाँ पढ़ने आए हो सीखने आए हो ना, सब चीज पढ़ाया जाएगा, मैं इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ ये। अभी तक ये नहीं बना क्या, अभी भी इसी में स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग। 2 और 6 आ गया, चलो ठीक है। 2 और 6 किसका किसका आया था, जरा ये बताओ देखो। इसका वैल्यू बताओ तो जरा, 4096 है, मतलब यही कहे होंगे ना 4 का पावर 3 कितना, 64 शायद ना,
का पावर, यही ना, गुड। अगर मैं इसको 4 to the power 9 लिखूं तो दोनों सेम ही ना है, डमरू एक गलत है, ये सही है। ये सब चीज जो है ना, यही सब चीज अगर लेकर के तुम लोगों को दिक्कत क्रिएट करेगा ना, ये सब चीज सीखना है। वैल्यू जब भी ऑपरेट करता है तो ऊपर से ऑपरेट करता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं ऐसे बोलता आप लोग को सेकेंड, जैसे कभी कभी इस तरह का दे देता है, हालांकि आप लोग को तो उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ये सब, 4 to the power 3, 4 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लेते चला गया। अब इसका वैल्यू पूछ देगा तो क्या कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे हम लोग? अब बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? आप खुद से सोचो ना, जस्ट अभी तो मैंने कंसेप्ट डिलीवर किया ना, कंसेप्ट बताया ना आपको, उसी कंसेप्ट के साथ जाओ तो जब आप देख करके पता चल जाएगा ना, जब आप देख करके ही पता चल जाएगा। आप सोचो ना, यहां पे आकर के तो स्टॉप ही ना होगा जी, मतलब 1 to the power कुछ भी रखा जाए तो क्या होता, 1 ही ना होगा। इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो 4 to the power 3 नहीं, 4 to the power 3 ही ना आएगा। ऊपर से ऑपरेट करो, ये तो बेवकूफ वाला काम होगा, 9, 8 to the power 9 निकालेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे आकर तो ट्रैप हो गई। 1 to the power कुछ भी रहे तो क्या 4 to the power 3 to the power 1 ही ना रहेगा, तो यही ना इसका आंसर हो गया। तो अगर ये आपको पता नहीं है कि वैल्यू ऊपर से ऑपरेट कर रहा है, तब तो फिर नीचे से सॉल्व करते चले गए ना, 4 to the power 3 to the 64, 64 to the power 1, 64, फिर फर्दर 2, फिर फर्दर 3, ऐसे करते चले जाओगे कि नहीं करते चले जाओगे? नहीं समझ में आया? मतलब मेरा ये कहने का मतलब यही है ना इन नॉट सेल, कि आप जब भी पढ़ोगे ना तो बहुत सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्व करना है हर चीज को। बहुत सारा क्वेश्चन टफ नहीं रहता है आपका एग्जाम का, और इस बार तो नीट का क्वेश्चन का पेपर एकदम, मतलब 11th और 12th के बेसिक्स का अगर बात करो उससे भी इजी था। तो मेरा मानना है कि आप जब तक ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे ना कहीं पे भी साइंस में, तो नहीं हो पाएगा फायदा, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ऑब्जर्व करना सीखिए आप लोग। जैसे आपसे मैं पूछा अभी कि बेसिक्स ठीक है, तो बेसिक्स तो ठीक है, लेकिन बेसिक्स के नाम पे क्या है आप लोगों के पास? मैं ये फिर नहीं डिमोरलाइज या डिसहर्ट नहीं करने का इंटेंशन है मेरा, मैं बोलो बेसिक्स पढ़े हो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का कहीं पे अगर ट्रैप हो जाओ तो फिर गड़बड़ ना है। आप क्या लगता है आपको, मैं जो इक्वेशन दिया आप नहीं पढ़ते होंगे, आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे, R1 + R2, मैं मान लेता हूँ ऐसे कि 18 रहा होगा, और R1 R2 अगर आ गया तो मान लेता हूँ 72 रहा होगा, तो क्या है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है ये सब? ये सीरीज का रहा होगा, पैरेलल में दूसरा रहा होगा, रहा नहीं होगा क्या? कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में जाओगे तो C1 + C2 का वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ कभी इस तरह का निकल गया, मान लेता हूँ 18 निकला, और C1 और C2 मान ले C1 C2 ये प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ, C1 C2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 81 ले लिया तो क्या नहीं आएगा क्या? ये सब पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए? पढ़ा हुआ होना चाहिए वैसे। कहीं पर ट्रेंगल ले रहे हो, बहुत सारा चीज छोटा मोटा चीज मिलेगा आपको, जैसे कहीं पे भी ले लिया, यहाँ पे एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लेता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको यहाँ पे, मान लेता हूँ यहाँ पे, अब ये पता ही नहीं आपको कि कॉस थीटा लेना है, थीटा ए वाला दे दिया इसके बजाय ए वाला दिया, थीटा ए दिया तो परपेंडिकुलर ए ना हो गया जी। अब अगर ये थीटा का कंसीडरेशन ए किया, थीटा का कंसीडरेशन तो क्या हो गया, वो ए ना परपेंडिकुलर हो गया, ए ना बेस हो गया। तो ये सब चीज तो आपको गौर करना ही पड़ेगा। तो हर छोटा छोटा कंसेप्ट को ही अगर आप अच्छे से समझिएगा ना तो बहुत आसान हो जाता है। और मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ये फिजिक्स का ही नहीं बात है, केमिस्ट्री में भी वही चीज करना, आप लोग बायो में भी यही चीज करना, रटना ही है तो उसको अच्छे से समझा जाए। अच्छे से समझोगे तो करोगे, स्कोर करोगे, अच्छा स्कोर कर लोगे, और नहीं करोगे तो फिर लगे रहोगे। क्लियर है? चलिए बताओ तो जरा बाबू, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b to the whole cube? Yes. पता है आपको? पता है? पढ़े होंगे ना? याद है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्या? बोल बोलो। चलो मैं देख लिया ना, मैं शुरू कर देता हूँ तुम लोग का, ज्यादा बेसिक में कुछ जाओगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लास एक्स्ट्रा जाएगा और क्या जाएगा ना, तो 2 क्लास एक्स्ट्रा जाएगा, शुरू करता हूँ।
जो तुम लोग को पढ़ना है मैं पहले ही क्लियर करूँ, जो तुम लोग को पढ़ना है मैं कुछ बाहर नहीं बात करूंगा। मुझे यहाँ साबित नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ और बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत आपके लिए लिमिटेड पढ़ाऊंगा, जितना टाइम बचा है उसी फ्रेम में पढ़ाऊंगा, अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ ना, ध्यान देना एकदम सिंपल, जो आप लोग पढ़े हो वहीं से शुरू करता हूँ, आप लोग पढ़े हुए हैं सारा चीज वहीं से शुरू करता हूँ, बेसिक एकदम छोटा, बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जरूरत है, जैसे आप पहले अलजेब्रिक रिजल्ट्स में अगर बात करें, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला, देखो कुछ कुछ चीज जैसे आप पढ़े होंगे, पढ़ा हुआ है सारा चीज, देखिएगा ना, रिलेट करना सिखला रहा हूं, एकदम रिलेट करते चलना, और जहां पे भी दिक्कत होगा तुरंत तुम पूछोगे, इनकाउंटर करो, टीचर को इनकाउंटर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे देखो मैं लेता हूँ, ये तो रिजल्ट पढ़े हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो ना। अच्छा अगर मैं बात करूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए भी पढ़े हो ना आप, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है। अब देखो ये तो पढ़ा, अब इन दोनों को बीच रिलेट करना है, इन मतलब हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज क्वांट पॉजिटिव ही क्वांटिटी ना है, बहुत सारा क्वांटिटी, कभी किसी का रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी किसी का कैपेसिटेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे जनरल मोस्ट जनरल जितना भी केसेज लोगे तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होता है फिजिक्स में ना, किसी का रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, किसी का कैपेसिटेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों को रिलेट करके भी एक अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है। जैसे सोचो यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, इसको सीखिएगा जरा, कैसे मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों में रिलेशन बने, ये दोनों में एक रिलेशन मैं डेवलप करूं तो याद रहेगा। जैसे आप बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है बाबू, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो मैं ऐसा करता हूं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं यहां पर माइनस 2ab कर दूं, तो अगर माइनस 2ab एडिशनल हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए ना जी, तो यहाँ पे प्लस 4ab लिख सकता हूँ क्या, तो अब बताओ तो ये क्या है, ये बात अगर करोगे तो ये क्या है, जाना पहचाना लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, तो क्या हो गया ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, बात समझ में आया। तो एक रिजल्ट जो बना आप इस चीज सीखे, और रिजल्ट क्या बना कि ये रिलेट करा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करोगे तो क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बना। अब ये बताओ रिजल्ट आपके लिए फिजिक्स में मैटर करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा, अब बताओ किसको किसको रिलेट कर रहा है, इट रिलेट्स किसको किसको रिलेट करा बताओ, a प्लस बी को रिलेट करा, a माइनस बी को रिलेट करा और ab को रिलेट करा। अब बताओ ये तीन में से कोई भी अगर दो चीज आपको पता होगा तो खुद ब खुद निकल जाएगा कि नहीं, जैसे अगर आपको a प्लस बी और ab पता है तो a माइनस बी निकाल लोगे कि नहीं, अगर a माइनस बी पता है और ab पता है तो a प्लस बी निकाल लोगे कि नहीं, क्लियर है, कॉपी करो इसको, जैसे बताया जा रहा है उसको कॉपी करते चलिए एज इट इज, चलिए कॉपी बाबू। अब देखो इसका बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर याद रखोगे ये सब चीज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टर्म जब आएंगे ना तो वहां पे रिड्यूस कर देता है बहुत सारा एक्सप्रेशन को, ये फर्स्ट रिजल्ट था ना, याद रखना इसको, चलो सेकेंड समझना जरा, अभी आपको बताया गया ना a प्लस बी का रिजल्ट याद रखे आप लोग, a प्लस बी प्लस सी का भी रिजल्ट यूज कर सकते हो आप लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर का भी रिजल्ट यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर इसको बताना क्या जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं है सब, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के पेयरिंग करना तो सीखना पड़ेगा आपको, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करोगे चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करोगे, तो पेयरिंग करने आना चाहिए। जैसे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तो अभी तो पढ़े ना आप लोग जी, क्या पढ़ा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, अब इसमें पेयरिंग करना सीखना है आपको। जैसे देखो यहाँ पे कितने टर्म है, ए और बी दो टर्म ना, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे तीन टर्म है ना, यहाँ पे कितने टर्म है, चार। अगर आपसे बोला जाए, जैसे अगर मैं बोल दूं कि
ए बी माइनस सी प्लस डी ई, इसमें कितने टर्म है, एक्सप्रेशन कितने टर्म को कंटेन किए हुए, तीन ना, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं सेपरेट कर सकता है, माइनस और प्लस साइन ही सेपरेट करता है टर्म को ना, क्योंकि ए बी एक ही सिंगल ही टर्म है, सी एक अलग टर्म हो गया क्योंकि माइनस और प्लस से सेपरेट हो रहा है, और डी क्या है, एक ही टर्म, एक्सप्रेशन का एक ही टर्म है। तो अगर यहां पे बात करो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहां पे अगर आप पेयर बनाओगे तो देखो तो ए बी और सी ये तीन चीज है ना, तीन टर्म है ना, तो नंबर ऑफ पेयर अगर बनाना हो ना, तो नंबर ऑफ पेयर वो आप डिजाइन कर सकते हो कैसे, एक रिजल्ट है एनी इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। जैसे यहां पे देखो, यहां पे कितने टर्म्स थे, दो टर्म था ना ए और बी, तो टू इंटू टू माइनस वन अपॉन टू करते तो एक ही ना पेयर बना यहाँ पे ऐसे ए बी। अब यहां पे अगर पेयर बनाते वन टू थ्री, कितना है थ्री ना, थ्री इंटू थ्री माइनस वन अपॉन टू, कितने टर्म्स बनेंगे थ्री। तो अगर इसको आप याद रखोगे तो ऐसे याद रख सकते हो, स्क्वायर तो चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ पर टू ऐड करें, आप यहाँ देखो पेयरिंग करना सीखो तो कितने पेयर हो रहे हैं तीन। बताओ ए किससे जा करके मिला, ए बी, अब ए सी से भी तो मिला, ए सी, मतलब ए का पेयरिंग सबके साथ हो गया, ए बी से भी मिल लिया, ए सी से भी मिल लिया, तो ए को खत्म करो। अब कौन सा बचा, बी का पेयरिंग बाकी रहा ना, प्लस क्या बी सी, समझ आया। अब फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ, यहाँ पे अगर लिखना होगा तो कितना देखो, वन टू थ्री फोर, कितना पेयर, 4 इंटू फोर माइनस वन अपॉन टू, कितने पेयर्स बनेंगे, 4 इंटू फोर माइनस वन अपॉन टू, सिक्स पेयर बने। सिक्स पेयर कैसे बनेंगे खुद देख सकते हो, पहले तो चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां तक तो ऐसे ही रहा ना, प्लस टू। अब मैं यहाँ पे ए सब नहीं सिखला रहा हूं, मैं ये सिखला रहा हूं कि कैसे पेयरिंग करना है। अब यहाँ पे बताओ पेयरिंग करोगे कैसे करोगे, बताओ जरा आप खुद से, ए का बी के साथ ए बी, अब बताइए ए का किसके साथ बाबू, सी के साथ, वेरी गुड, फिर फर्दर ए डी, ए का पेयरिंग तो हो गया ना सबके साथ बाबू, अब किसका पेयरिंग करोगे, बी, तो प्लस बी सी, फिर बोलो, फिर बोलिए आप लोग सी डी, हाँ जी, ये तो आप खुद बना लिए ना, आसान रहा ना आपके लिए, तो एक बार अगर आप समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत है। अब बताओ इसमें कितने पेयर्स होंगे विनीत, बताओ जरा बाबू इसमें कितने पेयर्स होंगे, पॉसिबल पेयर्स, तीन, पता चला ना, फाइव इंटू फाइव माइनस वन अपॉन टू, टेन कर, अब खुद ब खुद बना सकते हो कि नहीं, मैं लिख रहा हूं तुम ही लोग बोलोगे, शुभम बोलो, हाँ चलो आगे बढ़ो, डी स्क्वायर ना प्लस ई स्क्वायर टू, हाँ बोलिए बाबू, हाँ गुड, सही में गुड, वेरी गुड, चलिए आपका बात मानना, फिर आगे बोलो, अच्छा मैं देख नहीं रहा हूं, गलत हुआ तो दिखोगे नहीं, फिर आगे बोलो, बी डी, चलो हो गया, और बोलो, हाँ? और किसी का पेयर नहीं बचा है क्या, कंप्लीट ना, तो सब चीज आपके दिमाग में बैठा है कि कितने पेयर्स बनने हैं, पता है टेन, तो कंप्लीट काउंट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कंप्लीट हो गया ना, और देखो तो ए भी जा करके सबसे मिला है ना जी, देखते हो ना शादी विवाह में गला मिलता है ना सबसे, तो जाकर के मिला है, ए बी से मिला, ए सी से, ए डी से, ए ई से, अब हर बार तो माला नहीं डालते रहेगा, अभी तो मिले थे वे, तो ए का पेयरिंग सबसे हुआ, बी का भी तो पेयरिंग सबसे हो गया ना, तो आप बताना ए सब पेयरिंग करना सीखना होगा आपको, तो ये बहुत जरूरी है, इसको कॉपी कीजिए आप। अब ये रिजल्ट मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा कितना पॉसिबल पेयर्स है, तो याद रखना इसको दिमाग में बैठा लेना है ना, मैं फिर इम्फेटिकली स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ बाबू, ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप इसको याद रखें, लेकिन पेयरिंग करने आना चाहिए, क्योंकि मैं जब डील करूँ वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे मत सोना कि सर कैसे पेयर बनाया जाता है, आपको याद रखना है, काउंट करना खुद आना चाहिए, क्लियर ना, इसको याद रखना है। चलो शुड आई रब दिस, शुड आई, मिटा दो ना,
चलो थर्ड। अब कुछ कुछ रिजल्ट आप लोग को अच्छे से याद होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं जरूरत पड़ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो दोनों टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ना, ए प्लस बी के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिया हमने, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी उसी को तो हटाना है, प्लस टू ए बी टर्म को ही ना हटाना है। अब फिर देखना है यहाँ पे, मैं बार बोलता हूँ कि अगर इनकाउंटर कर सकते हो तो करना होगा आप लोग को, बस यू ही नहीं कि बस मैं जो बोला वो सही है, मैं जो बोलूँ वो सही है ये मान करके नहीं चलना है, हमेशा इस ध्यान में रहो, अपने दिमाग में बैठा कर रखो इनकाउंटर करना है इनका, तब सीख पाओगे। अब बताओ अगर इसको अगर ए माइनस बी के टर्म में बात करूँ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या लिखो बाबू, प्लस टू ए बी, खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिमाग में बैठा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल ना, विल दे गेट कैंसिल इच अदर, विल दे, एंड व्हाट अबाउट इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड दैट इज प्लस टू ए बी, माइनस टू ए बी एंड प्लस टू ए बी अगेन दे विल कैंसिल इच अदर, तो ये रिजल्ट याद रखोगे। अच्छा ए रिजल्ट तो आपको याद रखना है, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या करोगे इसको याद रखना, ए प्लस बी इंटू व्हाट, ए माइनस बी, ये पता है आप लोगों को, सब पता है, मुझे पता है कि ये सब पता है आप लोगों को, क्लियर है इसमें कोई दिक्कत, तो इतना तो एटलीस्ट जरूरत पड़ता ही है। अच्छा कुछ अगर और भी चीज की बात करें, जैसे सी इनसे पूछा गया कि बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब, पूछा गया था ना ए प्लस बी का होल, अब आप देखो हालांकि ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो और बेटर ना है जी, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस, अब इन सारे रिजल्ट्स में जो भी इससे रिलेटेड रिजल्ट होगा बस मैं बोलूंगा आप यही याद रखो, आपको केवल यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ रिजल्ट मत याद रखो, अगर ये याद रहा तो बाद बाकी खुद ब खुद याद रहेगा आप लोग को। कैसे देखो अगर मैं बोलूं यहां से इसको याद रख लोगे ना, तो मैं बोलूं अगर ए माइनस बी का होल क्यू करना है तो इस चीज को पहले ही दिमाग में क्लियर कर लो कि एडिशन अगर सीखे हो तो सब्ट्रैक्शन नाम का चीज कुछ नहीं है, अगर प्रोडक्ट सीखे हो तो डिवीजन नाम का चीज कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 + 3 5 - 3 है, यार आप कर क्या रहे हो, 5 में माइनस 3 को ऐड नहीं कर रहे हो, अरे यही ना कर रहे हो, 5 में माइनस 3 को ही तो ऐड कर रहे हो आप, अगर 8 को डिवाइड कर रहे हो आप 3 से तो इसका मतलब 8 को डिवाइड 3 से नहीं कर रहे हो, आप 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 1/3 से, बात समझ में आ रहा है। तो अब अगर सोचा जाए यहां पे क्या कर रहे, बस बी जहां जहां है वहां पे माइनस बी रख देंगे। अब याद करो माइनस वन का पावर अगर ऑड नंबर कुछ भी रहे तो माइनस वन ही ना होगा बाबू, माइनस वन का पावर जैसे बोलूंगा माइनस वन का पावर 1000 बताओ तो क्या होगा, 1, लेकिन अगर माइनस वन का पावर 2001 लिख दिया तो क्या हो गया, माइनस वन होगा, समझ आता है। तो यहां पे जहां जहां दिखेगा आपको वहां माइनस माइनस आ जाएगा साइन ना, तो क्या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू व्हाट, ए माइनस हो गया क्या, तो इसको याद रख पाओगे बहुत आसान होगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो सब जगह वही ना आएगा। अब देखो यहाँ पे रुक जाओ, अभी छापना नहीं है, सीखो अभी, पहले छापना शुरू करवाऊंगा मैं, छापते रहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे क्या क्या सुधार कर सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसी रिजल्ट को याद रखना है। अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का रिजल्ट लिखूं तो लिख सकते हैं कि नहीं, अब हम लोग मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर रिजल्ट लिखना हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का रिजल्ट यहीं से लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ तो, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना जी, अब ए वाला पूरा एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है, इसको जब इधर ले आओगे तो क्या बचेगा, वो माइनस थ्री ए बी इंटू व्हाट, ए प्लस बी। अभी मत सोचना कि ये ब्रेकेट वाला माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसके सम के साथ ये प्रोडक्ट भी तो है, इसको पूरे को उठा करके इधर ले आए हम लोग। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू अगर लिखना हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यहीं से चलेगा ना, आप देखो तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखना है तो ये क्या रहा, ए माइनस बी का होल क्यूब है माइनस, अब ये वाला पूरे टर्म को इधर उठा करके ले आओगे तो क्या हो जाएगा खुद ब खुद, प्लस थ्री ए बी इंटू क्या, ए माइनस बी, नहीं समझ में आया, तो आपको केवल एक ही रिजल्ट याद रखो तो खुद ब खुद आगे रिजल्ट याद रह जाएगा आपको, अरे क्लियर है, तो इसको याद रखना है आपको। अच्छा क्लियर है, कहीं कहीं ये जरूरत पड़ सकता है,
मान लेता हूं कि ए क्यू प्लस बी क्यू को फैक्टर फॉर्म में यूज हो सकता है। तो याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर फैक्टर भी करोगे ना तो एक रिजल्ट आता है, आप लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद आया होगा। और एक रिजल्ट ए क्यू माइनस बी क्यू के साथ भी याद रख लो, दैट इज व्हाट, ए माइनस बी इंटू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इज इट, इसको भी याद रख लो, कॉपी कर लो। मैं बार बोल रहा हूं इस सब रिजल्ट को प्रायोरिटी नहीं देना, लेकिन दिमाग में बैठा होना चाहिए। थोड़ा फास्ट कॉपी करो ना, ये सब पढ़ा हुआ है, इसे मैं टाइम नहीं लेंगे, मैं केवल याद दिला रहा हूं आप लोग को। याद है ना बजरंगबली का ताकत गुम हो गया था तो याद ही ना दिलवाए थे जामोन जी नदी के किनारे, सब कुछ तो पता था ही उनको। और ऐसा नहीं कि सब पढ़ा हुआ नहीं आप लोग का, सबका पढ़ा हुआ है, केवल मैं रिकॉल करा रहा हूँ सारा चीज ना, जो भूले हो। और अभी कोरोना में तो सब इंसान जामुन तो बना ही फिर रहा है। नेचर का, नेचर ऑलवेज लव सिमेट्री, याद रखना नेचर के साथ जितना छेड़छाड़ करोगे ना, पहले देखते थे हल चलाता है तो जानवर लोग के ऐसे ही नहीं पहनाता था पहले, यही पहनाता था, देखो तुम लोग नहीं जाओ हल चलाते हो किसान को देखो तो बैल वगैरह में मास्क उसको लोग पहना देता था, क्या बोला जाता जो भी, और आज इंसान पहने हुए चल रहा है सब जगह, तो है ही रिबूट हो रहा है, नेचर रिबूट हो रहा है। चलो हो गया बाबू, याद रहेगा ना सब, यू शुड फाइंड एरर इफ यू कैन, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं सही है, अगर हो सके तो कोशिश करना चाहिए, पढ़ करके आओ पूरा अच्छे से एकदम किताब वगैरह। चलिए ठीक है, कितना तीन रिजल्ट शायद लिखा ना, एक फोर्थ है, इसको लिख लो, मैं नहीं बोलूंगा कि आपका जरूरत कहीं पड़ेगा, कहीं जरूरत नहीं पड़ता है बेसिकली, मुझे लगता है कहीं जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन लिख लो फिर भी, याद रहेगा तो अच्छा ही। एक रिजल्ट है बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इसको याद रखिए, रिजल्ट जो होता है नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी का एक और फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे सारा चीज पढ़ा हुआ आप लोग का, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, नाइन्थ क्लास का है सब, क्या हो जाएगा बाबू, इसको इस टर्म में लिखा जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसके साथ एक लिख लेना नोट करके, अच्छा बात है, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाता है ना, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन इट इंप्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू व्हाट, थ्री ए बी सी। हालांकि इसकी जरूरत फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा लिख लो। ठीक है, अब इस रिजल्ट का एप्लीकेशन मैं बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत सारे बेसिक इक्वेशंस जो होता है ना, बहुत सारे इक्वेशंस की अगर बात करोगे तो बहुत सारा इक्वेशन इस पे वेस्ट होगा। देखो फिजिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वांटिटी मिलेंगे आपको, ज्यादा क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है, रेजिस्टेंस की बात करो, कैपेसिटेंस की बात करो, और भी चले जाओ ना, कंडक्टेंस का भी बात कर सकते हो, नेगेटिव नाम का चीज नहीं है ना रेजिस्टेंस, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को ज्यादा चांस तो रहता है कि रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है, कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम रहता है, कैपेसिटर पढ़ोगे, रेजिस्टर पढ़ोगे, इंडक्टर पढ़ोगे, यही सब नेगेटिव एलिमेंट है, ये सेल्स पढ़ते हैं, सब एक्टिव एलिमेंट्स, और नेगेटिव नहीं जनरली रहता है, तो जितना भी क्वांटिटी आपको रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो देखो कुछ इक्वेशंस मैं बोल रहा हूँ आप समझना, ये लीनियर इक्वेशंस है और आपके काम का है, जैसे अगर कभी कभी कुछ बेसिक इक्वेशंस हम लोग देखते हैं उसको सॉल्व करना है, जैसे कुछ कुछ बात करो, जैसे पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ सारा चीज, आप दिमाग में बैठाते चलना, चलो लिखते चलना मेरे साथ ही, याद दिलाना कि पढ़े हुए बाप। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू में मान लिया 8, a माइनस बी इक्वल्स टू मान लिया मैं 2 सेकेंड,
ए प्लस बी इक्वल्स टू 3a + b इक्वल्स टू 7 और 5a + 2b ट्वेल्व। मान लेता हूँ 5a - 3b, मान लेता हूँ 9 ले लिया, और 2a + 5b (16) ले लिया। a + b को उसको हमने कंसिडर करा, मान लेता हूँ 14, ab इक्वल्स टू ले लिया 24। फिफ्थ a - b इक्वल्स टू कंसिडर करा, मान लेता हूँ 8, और ab इक्वल्स टू कंसिडर करा 48। सिक्स्थ मान लेता हूँ a + b, यहाँ पे तीन टर्म कंसीडर कर लिया ना, a + b इक्वल्स टू 12 ले लिया, b + c इक्वल्स टू 9 ले लिया, c + a ले लिया। फिफ्टीन ले लिया, मैं मान लेता हूं ab 16 कंसीडर करा, bc 6 कंसीडर करा, और ca 24 कंसीडर करा। यहां मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, a को भी, b को भी, और c सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिक्स में हमारा ज्यादा क्वांटिटीज होता है पॉजिटिव होगा जो मिलेगा आप, जो फेस करोगे आप। अब आप लोग खुद बता सकते हो इसमें कितने इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हो, 10th क्लास का है। एकदम डरोगे नहीं, इज्जत करना है, लेकिन एक लिमिटेड तक ना, रीजन तक, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट के कारण कुछ पूछ भी नहीं पाए, ऐसा नहीं। आप खुद ब खुद बता सकते हो कितने इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ये जरूरत है, ये जरूरी है आपके लिए, ये जानना जरूरी है, सब बेसिक से हो रहा है, अभी 10th के पहले का बात हो रहा है सारा चीज। बताओ भी नहीं तो इसमें से कितने सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन आप, सब कर सकते हो, वेरी गुड, जल्दी करो। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जरा जरा स्टार्ट करो, तो पहले सॉल्व करने आता है ना सब। चलो मैं कह रहा हूं, मेरे साथ चलो। सॉल्यूशन में पहला फर्स्ट इक्वेशन है ना, दैट इज व्हाट, a + b इक्वल्स टू कितना बाबू 8, a - b इक्वल्स टू क्या 2। आप यहाँ पे फॉर्मेट याद होगा, बचपन याद करो, 10th क्लास को फर्स्ट और सेकंड मानते थे ना, दोनों को ऐड करोगे bb, विल दे गेट कैंसिल और नॉट, दैट विल बी व्हाट 2a इक्वल्स टू व्हाट 10, फ्रॉम हियर यू कैन इवैल्यूएट a इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 5, पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन, आइदर ऑफ इक्वेशन, यू विल गेट द रेस्ट। फ्रॉम फर्स्ट चलें क्या, चलो फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे 10th क्लास नहीं सॉल्व कर रहे हम लोग, 10th क्लास का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, बस हम लोग को पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। a इक्वल्स टू 5 आया ना, बताओ a + b इक्वल्स टू आप 8 पढ़े हो, तो एक इक्वल a का वैल्यू कितना है 5, 5 + b इक्वल्स टू 8, तो ऑब्वियस है b का वैल्यू कितना आ गया बाबू 3। चलिए तो क्लियर है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में लौटते हैं हम लोग। क्या है बाबू 3a + b इक्वल्स टू कितना 7, और यहाँ पे क्या है 5a + 2b इक्वल्स टू कितना 12। ईमानदारी से बात बोलना, जस्ट बी टू टू योर सेल्फ एंड देन रिप्लाई मी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कैपेबल टू डू दिस, बस
बस आप लोग नहीं बनाए, विनीत नहीं बना, जल्दी करो ना, जल्दी करो, जल्दी करो, तो जरा देखे तुम लोग टाइम, लोग खुद से बनाओगे तो अच्छा लगेगा। वही चीज मैं बार बोल रहा हूँ, एक दो दिन इसीलिए तो मैं मांगा कि 2 दिन पढ़ोगे वही जो पढ़ा हुआ है तुम लोग का, कुछ नया चीज सीखने को नहीं मिलेगा, बस याद आया कि हाँ ये पढ़ाया गया था। थोड़ा पेन को फास्ट कर, मैं स्लो हूं इसलिए क्योंकि मुझे सिखलाना है, आप फास्ट पेन चलाओ। क्या करते हो इस तरह का क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ जरा। आया रंजन, कितना कितना आया वैल्यू? ए बी के बराबर 1 आया और ए का वैल्यू 2 आया। गुड, सेटिस्फाई तो हुआ ना। क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, याद करो तुम लोग, याद है ना बाबू, आप लोग को याद है, कॉफिशियंट किसी एक का कॉफिशियंट बराबर कर देते हो, बी का कॉफिशियंट यहाँ 1 है ना बाबू और बी का यहाँ पे 2, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जो लिखते थे 10th क्लास में, याद कीजिए, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि किसी का कॉफिशियंट तो बराबर करना है ना मुझे, तो बी का यहाँ 1 है और बी का यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए, उसमें सेकेंड को सबट्रैक्ट कर देंगे। अरे यही ना करते थे, चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 6 से प्लस 2b इक्वल्स टू कितना बाबू, 40। अब ये तो ऐसे ही है ना, ये क्या रहा, 5 है प्लस 2b इक्वल्स टू क्या, 12। यहाँ पहले ही दिमाग में बैठा कर रखा होगा कि हम लोग को डिफरेंस लेना है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, विल दे गेट कैंसल, व्हाट अबाउट ई, दैट इज ए एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2। 14 माइनस 12 तो 2 ही होता है जहां तक मैं जानता हूँ, क्लियर ना? तो ए का वैल्यू कितना आया बाबू, 2। अब इसका वैल्यू किसी पे पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारे पास बताइए जरा, 3a प्लस b इक्वल्स टू कितना बाबू, 7। a का वैल्यू पुट कर रहे हो ना आप, 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू व्हाट, 7, b इक्वल्स टू व्हाट, ये 6 हो गया ना, 7 माइनस 6 दैट इज व्हाट, 1 आया, तो सही है, इजी है आप लोग के लिए, इजी है, बहुत इजी है सब। बना था भी नहीं थे, गुड। ये तो मिटा सकता हूं मैं, चलिए बताइए थर्ड से चलें क्या, थर्ड थर्ड तो कर लोगे ना इन द सिमिलर वे, थर्ड में रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब देखो फोर्थ, फोर्थ क्या है, फोर्थ बताइए तो, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है बाबू, 14, और ए बी इक्वल्स टू क्या है, 24। ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 14, और ए ए बी इक्वल्स टू कितना, 24, क्लियर? ऐसा रहा। अब बताओ इसको अगर बनाना है जैसे सिंपली, अगर आप सोचो तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जा सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करो ही मत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज मत करो। किसका यूज करोगे आप, तो जो मैं बताया उसी टेक्निक को यूज करना हमेशा, उससे क्या होगा कि आपको बहुत कह सकते हो बहुत आसान होगा, बहुत लेंदी नहीं जाएगा, और फिजिक्स में ये यूज करा जाता है, फिजिक्स में यूज करो, फ्रिक्वेंटली यूज करो। वो क्या है बताइए जरा, ए प्लस बी और ए बी पता है आपको, तो एक रिजल्ट मैंने बताया था जो ए प्लस बी ए बी और ए माइनस बी को रिलेट करता था, याद है? तो याद करो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये रिजल्ट याद है आप लोग को? बताओ ए तीनों को रिजल्ट रिलेट करने वाला था ना। अब बोलोगे सर आप ही नहीं बताए, आप तो बताए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर प्लस 4ab था, तो ये इधर अगर प्लस 4ab था तो इधर क्या हो गया, माइनस 4ab, क्या हो जाएगा, माइनस 4ab। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रहा है, जाना चाह रहे हैं, जाना चाहे तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोर नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रहा ना, ये पता है ना, पढ़े हुए ना, किसको किसको रिलेट करा, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी को रिलेट करा ना। तो आप बताओ अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी आप तो लिख सकते हो ना यार, इधर स्क्वायर तो इधर जाकर अंडर रूट होगा क्या,
दैट विल बी व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। अब बताओ तो यहां से ए माइनस बी का तो वैल्यू आपका मिल गया ना जी, ये रिजल्ट पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ाया हुए। अभी बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितना 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू भी तो पता है आपको 24। बताओ 14 का होल स्क्वायर कितना होता है जी, 256 या 196, ठीक है। और यहां भी बताओ तो क्या हो जाएगा ये 96। अब बताओ तो 196 माइनस 96 कितना जी, 100 ही ना, तो 100 का क्या रहा 10। अब बताओ, मैं ये समझाना इसलिए ना मैं ये सब लिख रहा हूँ जी, मैं तो यही लिख देता डायरेक्ट ना 10 आ गया। तो अब बताओ a प्लस बी कितना आया, अब 10। आप दिमाग में बैठा हुआ है क्या है बताइए आप, a प्लस बी किसके बराबर जी बाबू 14, और a माइनस बी ऑलरेडी इवेलुएट कर लिया आप, a माइनस बी किसके बराबर, फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ और नॉट, बी बी कैंसिल होगा, 2a इक्वल्स टू 24, एक 12 आया, बी 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कॉपी करो। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ऐसे मत करना कि b इक्वल्स टू 24 बाय a और पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि वैसे सॉल्व करना, नहीं, फिजिक्स में पॉजिटिव ही क्वांटिटी को डील करेंगे हम लोग, तो आप इसी के साथ हमेशा जाना। बताना यहां से a का वैल्यू पता चला ना, a का वैल्यू निकाल सकते हो ना, अब यहां से कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आप सॉल्व करो, a का वैल्यू कितना 12 आया ना शायद, और b का वैल्यू 2, ये आंसर हो गया, तो कर ही लोगे। चलिए क्लियर है, ये पूछो तो मैं मिटा ही सकता हूं। इन द सिमिलर वे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट डू इट करो तो आंसर बताओ जरा कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा खुद ब खुद कीजिए, ये सब बेसिक्स है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, नया चीज नहीं सिखला रहा हूँ, बस रिकॉल कराया जा रहा है आप लोग को। आप लोग समझ में आ रहा है बाबू, गुड। विनीत इसका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का, कितना कितना आंसर 12, वेरी गुड। फोर्थ तो बनाना आप लोग से जी, फिफ्थ टाइम इतना क्यों ले रहे हो तुम लोग, फिफ्थ का आंसर नहीं आया क्या सबका, फिफ्थ नहीं आया तुम्हारा, कितना आया, चलो सही है, फिफ्थ बना ना, फिफ्थ बन गया ना। चलो सिक्स का बताओ, सिक्स कितना आया, ए बी और सी, ये तीन टर्म कंटेन किए हुए हैं ना, ए बी और सी, कितना आया, ए का बी का 3, तो ए और बी आ गया तो सी तो निकल ही जाएगा ना, कितना कितना आया, गुड। आसान है ना ये सब, तुम्हारा प्रिंस आया, और सेवन सेवन भी बनाओ, सेवन भी बनाओ,
चलिए हो गया क्लियर, समझ आया बाबू आप लोग को। ये बताओ तो जरा यहाँ पे अगर बात करा जाए किसका, फिफ्थ सिक्स का ना, सिक्स सिक्स कितने लोग बनाए, जैसे देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या था आपका 12 ना, बी प्लस सी कितना 9 और सी प्लस ए कितना है 15। फर्स्ट कंसीडर करते हो, सेकंड और इसको क्या है थर्ड। अब बताओ तो ये तो अगर आप देखोगे इस तरह का ना तो ये तो ओरली बनेगा ये सब ना। आप क्या करो सबका सम ले लो, सबका सम ले ले क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करो तो कितना आया ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही ना सम कर रहे हो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितना रहा बाबू 12 9 और 15 कितना हो गया 36 क्या। हाँ अब बताओ ये क्या रहा, ए ए टू ए ना, बी बी टू बी ना और सी सी टू सी ना, तो टू कॉमन लोगों तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 36। तो बताओ जरा बाबू ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर रहा 18 रहा कि नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 18 आया तो फोर्थ हो गया है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 है तो ए प्लस बी का वैल्यू इस पर पुट करोगे 12 तो सी का वैल्यू 6 नहीं आ गया, अगर बी प्लस सी का वैल्यू उठाओ यहां से इस पर पुट करो ए प्लस 9 इक्वल्स टू 18 बी का वैल्यू 9 नहीं आ गया, सी प्लस ए रहा तो सी प्लस ए का वैल्यू अगर इस पर पुट करो तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3 नहीं आ गया। आप कर लो क्या करो 4 माइनस फर्स्ट, तो 4 माइनस फर्स्ट करोगे ए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 तो क्या करोगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 तो सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बाबू 6। अच्छा फोर्थ माइनस सेकेंड करो तो फोर्थ माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 बी प्लस सी अगर पुट करोगे बी प्लस सी की जगह 9 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए ए का वैल्यू कितना आएगा बी प्लस सी इसके जगह है ना 9 पुट करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ गया 9 करके देखो आप। और फोर्थ माइनस अगर थर्ड करोगे फोर्थ माइनस थर्ड करोगे तो फोर्थ माइनस थर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 नहीं आ जाएगा सी प्लस ए 15 है ना ए इक्वल्स टू कितना 3 इज इट सिंपल है ना। तो इस तरीका को ध्यान देना, मैं बार बोल रहा हूँ ये जो अप्रोच लिया गया उसको ध्यान देना है ठीक है। अब बताओ सिमिलर वे में क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए बी सी सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, सेवेंथ वाला है उसमें सब प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ए बी बी सी सी है सबका प्रोडक्ट ले लो, यहाँ सब क्या था समेशन में था ना सबका सम था तो वहां पे प्रोडक्ट है तो सबका प्रोडक्ट ले लो। जैसे देखो देखो इधर इसको मिटा दो ना बाबू, ये पोर्शन तो मिटा ही सकता हूं ना, बताइए जरा यहां पे सेवेंथ आपका है क्या है ए बी इक्वल्स टू क्या है 16, बी सी इक्वल्स टू क्या है 6 और सी ए इक्वल्स टू क्या है 24। वही काम करो आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करते आए हो, क्या करो यहां सबका प्रोडक्ट ले लो, क्लियर है बताओ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा बाबू दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 6 इंटू 24 क्लियर। आप बोल सकते हो ना दैट इज व्हाट ए बी सी का स्क्वायर ना है, दैट इज व्हाट 16 इंटू 6 इंटू व्हाट 24 तो बताइए तो बाबू ए बी सी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 6 इंटू 24। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब पॉजिटिव क्वांटिटी मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आप बताइए तो ए बी सी क्या आ गया 16 को लिख सकते हैं 24 इंटू 4 तो 48 आ गया क्या नहीं आया क्या 48 नहीं आया क्या सही में नहीं आया क्या जी 16 इंटू 6 96 ना ढूंढो ये भगवान 96 इंटू 24 है तो 96 को क्या लिख सकते हो 24 इंटू 4 लिख सकते हैं और इंटू क्या 24 तो 24 24 एक 24 बाहर आया और 4 का स्क्वायर 2 आया बाहर 48 आया। मेरी मम्मी भी पढ़ाई है बाबू ये सब याद रखेगा फोर्थ हो गया कि नहीं। अब वही काम करो आप जो करते आओ ए बी का वैल्यू पुट कर सकते हो ना इस पर तो सी का वैल्यू नहीं आ गया 3 तो कर लो आप देखो फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड कर दो फोर्थ अपॉन फर्स्ट ए बी सी इक्वल्स टू 48 ए बी खुद कह रहा है मैं 16 हूं तो 16 इंटू सी इक्वल्स टू 48 होगा तो सी का वैल्यू कितना 3 अरे क्लियर। फोर्थ को अगर किससे डिवाइड करो 2 से बताओ
एबीसी इक्वल टू 48, बीसी खुद कह रहा है मैं कितना हूं 6, तो ए का वैल्यू कितना 8, सीए कितना है 24, सीए कितना है 24, बी क्या हो जाएगा 2, फोर्थ अपॉन थर्ड, क्या सीए है ना, तो बी का वैल्यू आएगा ना ये, आ गया कि नहीं। कोई तरीका हो सकता है, दिखाइए, सॉल्व किया हो, हाँ कोई तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत, लेकिन इसमें दिखता है और कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ये सब याद रखना है आपको, ये नहीं कि कहीं बाहर आया, मुझे बहुत सारा पढ़ा हुआ है सर्किट वगैरह, सर्किट एनालिसिस कर रहे, बहुत सारा चीज आ रहा है, अब इसके कारण रुक रहे हो तो इसमें फिजिक्स का कमजोरी तो नहीं ना है, वो आपका मैथ्स का नॉलेज कम है इसकी वजह से रुक रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये सब आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, पता ही नहीं सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, तो गड़बड़ा जाओगे। फिजिक्स अगर ठीक रखना है तो मैथ्स का आइडिया थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, मैथ्स का आइडिया नहीं होगा तो दिक्कत होगा। चलो ठीक है ना ये सब, और ये नहीं है कि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ ऐसा कि मैथ्स चल रहा है, नहीं, केवल फिजिक्स के लिए जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं खुद लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, एकदम जरूरत है जो वही पढ़ाया जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन आज के बाद अगर आएगा तो बन जाएगा ना, मैं कोई होमवर्क नहीं देने जा रहा हूँ इस हफ्ते, आपको खुद ब खुद डील करना है, घर पे जाके खुद ब खुद सोचिए कैसे करना है क्या करना है। तो आज मैं इतना ही रखूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोगों का क्लास कितने बजे शेड्यूल मुझे नहीं पता है, मैं पूछ लूंगा, शायद 9 बजे से क्लास था ना, तो मैं लेट रहता हूँ, वो मेरी गलती है, मैं लेट था आज, कोशिश करूंगा अगले क्लास में 5 मिनट से 7 मिनट से ज़्यादा लेट ना हो, ठीक है। तो पढ़िएगा जा करके, अगर आप लोग को फिजिक्स का समझ डेवलप करना है तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाइए एनसीईआरटी का 11th निकालिए, उसमें पढ़ा हुआ पहला ही चीज, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको पढ़िएगा, वो आप पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी का बुक है, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फिजिक्स हमको कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को बेसिकली 11th और 12th पढ़ना है, अब 11th में भी बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया, 12th में भी डिलीट कर दिया, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, इसलिए ज़्यादा आप लोग को पढ़ना है, मैं कम बोलूँगा, मैं कम पढ़ाऊँगा, आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, रिजल्ट आप ही लोग के बदौलत होगा, समझे। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से जाकर के आप पढ़ो फिजिकल वर्ल्ड, पढ़ो, बताएगा फिजिक्स क्या है, समझ में आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्यूरियसिटी लेवल बढ़ेगा, तो आप पढ़ोगे तो इनकाउंटर ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा इनकाउंटर करोगे तो ज़्यादा चीज़ सीखोगे। और पहला बात मैं फिर से बोलूँ एक ही चीज़, क्लास में कभी भी आते हो तो केवल बैठे नहीं रहना है, क्वेश्चन मतलब पूछना शुरू कर दो, ये नहीं कि आए बस बैठे, हाँ में हाँ मिला है जो सर चल लिए तो दिक्कत हो जाएगा यार, आगे जाकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर्स बनते हो, सब तुम ही लोग ना बनोगे, देखते नहीं हो प्रचलन है, जो डॉक्टर ज़्यादा खड़ूस रहता है उसका ज़्यादा इज्जत रहता है, जो ज़्यादा नाटेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, तो थोड़ा सा डेवलप कीजिए अपने पर। अच्छा दूसरी बात, आप लोग बैठने का तरीका भी सुधारिए, एक बैठने का कैसे तरीका लगता है एकदम ना, जैसे होता है मंगरा मंगरी टाइप का बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बैठने का तरीका भी होना चाहिए कि बैठ रहे हो तो ऐसे यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर, तो बैठने का तरीका होना चाहिए, समझ रहे। कभी भी क्लास के दौरान आई कॉन्टेक्ट बनाओ, ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ तो नीचे भी झुका दे रहे, साइनेस तो खत्म ही करो, समझे ना, इनकाउंटर करो, आंख में आंख डाल करके पूछो कि सर ये कैसे बताए और ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये सब आइए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।